व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज है मंडे और इस वक्त मैं खड़ा हूँ वॉकिंग स्ट्रीट के बाहर। तो मैं जा रहा हूँ अंदर और मैं दिखाता हूँ आपको कि सैटरडे संडे का तो आपको पता ही है, और मंडे को क्या सीन है, मंडे का क्या माहौल है, कितना क्राउड है, कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, मैं आपको सब दिखाता हूँ। और चलेंगे किसी बार में और देखेंगे क्या माहौल है बार का। तो बने रहिए मेरे साथ, लेट्स गो। मंडे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि सैटरडे संडे को तो क्राउड होता ही है, मुझे देखना था कि मंडे को कितना क्राउड है। शूटिंग चल रही है, पता नहीं किस चीज की। अगर कोई स्पेशली वॉकिंग स्ट्रीट के लिए पत्या थाईलैंड आ रहा है तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे का क्राउड है। बाकी मंडे से लेकर थर्सडे तक सुनसान है। अभी किसी क्लब में चलते हैं, बाहर सड़क तो पूरी खाली है, क्लब के अंदर जाके देखते हैं कि कितना का क्राउड है, क्योंकि बाहर तो थोड़े बहुत लोग ही वॉकिंग कर रहे हैं। पता नहीं आपको मेरी शक्ल दिख रही है कि नहीं, पर मैं अभी बैक साइड पर आया था, मैंने आपको दिखाना था फ्लोटिंग कैफे जो सा नया खुला है, पीछे मेरे ही समुंदर है। वो रहा फ्लोटिंग कैफे और ये आइस बार है, काफी क्राउड है आइस बार में चलते हैं अंदर। अगर
अगर किसी ने स्पेशली वॉकिंग स्ट्रीट के लिए आना है थाईलैंड तो अभी मत आना, नेक्स्ट मंथ सोंगकाक फेस्टिवल के पास आना, क्योंकि अभी वॉकिंग स्ट्रीट प्रॉपर खुली नहीं है। अभी आइस बार में चलते हैं, माहौल देखते हैं क्या अंदर। गाइस 12 बज चुके हैं, आइस बार में बहुत ही मजा आया, बहुत ही जबरदस्त क्राउड था। मैं थोड़ा सा गलत बोल गया था, वॉकिंग सीट पर क्राउड नहीं था, पर जितने भी क्लब हैं, जितने भी क्लब ओपन हैं, वो सारे भरे हुए हैं, फुल थे, पर इंडियन क्लब अभी नहीं खुले। और इस वक्त मैं आया हूँ जो सा बहुत ही बड़ा 7-Eleven है साउथ पतिया में, उसके सामने ही फेस्टैंग रेस्टोरेंट है। लेट नाइट डिनर करने आया हूँ मैं, तो चलते हैं अंदर देखते हैं कि खाने के लिए क्या है। मैं दिखाता हूँ आपको मैंने अभी क्या क्या ऑर्डर किया। मैंने ऑर्डर किया है टॉमयम, चिकन टॉमयम, बोनलेस फ्राइड पोक, मैंगो सैलेड विद रॉ श्रिम्स, और ये है स्टिकी नूडल्स, राइस स्टिकी नूडल्स एंड स्टीम राइस। चलिए शुरू करते हैं। बच गया, प्लेट में ही गिरा। ये है फ्राइड बोनलेस पोक, ट्राई करते हैं। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। स्टीम राइस के साथ ट्राई करते हैं फिश। टॉमयम बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें ऑयल नहीं यूज करते, काफ़ी हर्ब्स को ये बॉयल करते हैं, काफ़ी देर तक बॉयल करते हैं। और आप टॉमयम चिकन के साथ, फिश के साथ, कोक के साथ ऑर्डर कर सकते हैं। ये फिश के साथ है, डिलीशियस। क्रिस्पी पोक बहुत ही जबरदस्त है। रॉ
श्रिम्प भी ट्राई करते हैं मैंगो सैलेड के साथ, बहुत ही अमेजिंग बनाते हैं ये। ये रॉ श्रिम्प है, अगर थाईलैंड में कभी भी रॉ श्रिम्प ऑर्डर करो तो डरना मत, काफी अच्छी तरह से क्लीन करते हैं पहले। मैंगो सैलेड का फ्लेवर श्रिम्प में पूरा लाइक घुल गया, पूरा वर्ड्स नहीं है मेरे पास। टॉमियम में टमाटर बहुत जबरदस्त लगता मुझे। बहुत गर्म है, टमाटर ने जीभ साड़ दी मेरी। इनकी रेसिपी लाइक इंडिया में भी फ्राइड चिकन मिलता है, फिश मिलती है, पर यहाँ पर ये जो सा पाउडर यूज करते हैं काफी डिफरेंट है। पत्या कभी भी बंद नहीं होता, आपको पता ही है, रात के 12:30 बजने को हैं, डिनर कर रहे हैं बाहर, ऐसे लग रहा है शाम के 8 बजे। अभी सुशी बनाते हैं, थोड़े से लेते हैं स्टिकी राइस नूडल्स, साथ में लेते हैं लेटस, और थोड़ा सा डालते हैं मैंगो एंड पपाया सैलेड, थोड़ी सी चिली, और ऊपर रखते हैं चेरी टमाटो, और साथ में लेते हैं रॉ श्रिम्प। मैंगो फ्लेवर का ना मैं फैन हूं यार, बहुत ही जबरदस्त है थाई फूड। अगर आप थाईलैंड आते हो, थाईलैंड आकर थाई फूड जरूर ट्राई करना। हमारे पूरे डिनर का बिल आया 480 baht, काफी कुछ खाया, बिल कुछ भी नहीं है। अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में जाते डिनर करने तो कम से कम 1500-2000 baht आपका बिल आता। डिनर काफ़ी अमेजिंग था, होप कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।